दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और अभी मैं देख रहा था कि ज़्यादातर प्रश्न आ रहे थे कि हम डेयरी शुरू करना चाह रहे हैं, वो भी गायों की, तो कौन सी गायों की करें। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और उन प्रश्नों में भी एक प्रश्न निकल करके आ रहा था कि हम HF की डेयरी करें या फिर जर्सी गाय की डेयरी करें। देखिए, जब हम व्यावसायिक डेयरी की बात करते हैं तो व्यावसायिक डेयरी में जाहिर है कि देसी गायें जो है वो सक्सेस थोड़ी कम है। हालांकि देसी गायों की डेयरियाँ भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी रन कर रही है, लेकिन आज हम तुलना करेंगे जो विदेशी नस्लें हैं। दो विदेशी नस्लें हमारे यहाँ इंडिया में इस्तेमाल होती है और उनमें से एक है HF और दूसरी है जर्सी। उनको भारत में क्यों लाया गया? क्योंकि ये जो है वो दूध में बहुत ही शानदार है, यानी दूध जो है वो ज़्यादा देती है, और जो दूध की अहमियत को ही डेयरी में लाना चाह रहे हैं उनके लिए HF या जर्सी की डेयरी जो है वो बहुत ही शानदार रहती है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या हम HF को अपनी डेयरी पे लाएं या फिर जर्सी को लाएं। दोनों का ऐसा तुलनात्मक अध्ययन मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो कि मुझे HF पालनी चाहिए या फिर जर्सी पालनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक या दो या पाँच या दस या थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो आप देसी पे जाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन व्यवसायिक स्तर पर मुनाफे के लिए जब हम करते हैं तो उस स्थिति में हमें HF या जर्सी में से एक का चुनाव करना चाहिए। कई भाई दोनों की तरफ भी जाते हैं, तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो HF आपको पता है नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट कलर में मिलती है। कई बार वाइट पे ब्लैक धब्बे तो कई बार ब्लैक पे वाइट धब्बे मिलते हैं। जबकि अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी भाई येलो ब्राउनिश कलर में मिलती है, येलो ब्राउनिश, ठीक है। और ये ज़्यादातर साहिवाल के कलर से मिलती जुलती है, जो कि वो रेडियस ब्राउन होता है और ये येलो ब्राउन होता है। तो ये दोनों के कलर की बात होगी। इसका जो HF का शरीर है वो भारी भरकम लंबा चौड़ा शरीर होता है, जबकि जर्सी जो है वो HF की तुलना में थोड़ी सी कम छोटी होती है, लेकिन इसका जो शरीर है वो भाई सुडोल होता है, बहुत अच्छा शरीर इसका होता है। लेकिन बात जब आती है दूध की तो दूध में HF गाय बाजी मार जाती है। नॉर्मली जो HF है अच्छी खासी वो 30 से 40 लीटर दूध पर डे का कर देती है, लेकिन कई स्थितियों में ये 60 लीटर तक चली जाती है, मतलब 60 लीटर दूध तक पर डे HF गाय दे सकती है, जबकि जर्सी गाय इतना दूध नहीं दे सकती। दूध उत्पादन के मामले में HF जो है वो अच्छी है जर्सी की तुलना में, क्योंकि जर्सी जो है वो नॉर्मली 20-25 लीटर दूध देती है। अगर अच्छी ही कंडीशन में रखा जाए तो इसका दूध जो है वो 45 लीटर तक जा सकता है, इससे ऊपर संभावनाएँ बहुत ही कम है। लेकिन जब बात फैट की आती है, क्योंकि दूध को फैट के हिसाब से ही बेचा जाता है, तो जब बात फैट की आती है तो उस समय भाई जर्सी बाजी मार जाती है, क्योंकि HF गायें जो है उनका फैट बहुत ही कम होता है। और अक्सर जो HF गाय रखते हैं उनकी ज़्यादातर शिकायतें रहती है कि सर फैट अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि HF के फैट की अगर हम बात करें तो 3 से 4 के बीच में ही रहता है, 4 तो बहुत ही कम आता है, 3 ही रहता है, और कई बार तो 3 से भी डाउन चला जाता है। तो फैट के मामले में डाउन है ये HF, जबकि जर्सी को अगर हम लें तो भाई फैट के मामले में हालांकि भैंसों के जितना या हमारी जो देसी गायें हैं उतना तो नहीं, लेकिन 4 से 5 के बीच में फैट जो है वो नॉर्मली जर्सी गायों का रहता है, और 4 तो अमूमन मेंटेन रहता ही रहता है। तो ये स्थिति अगर देखी जाए फैट वाली तो भाई जर्सी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर फैट की इम्पोर्टेंस है वहाँ जर्सी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर दूध की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर HF की तरफ जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि दूध का मामले में जो हमारी HF गायें हैं वो जब ड्राई होती है, तो जब ड्राई होती है तो उस समय लगभग 10-15 लीटर दूध उनके होता रहता है, मतलब इससे ये निराश नहीं करती, इससे कम नहीं ले जाती है। जबकि अगर जर्सी को जिस समय ड्राई किया जाता है उस समय वो सिर्फ 5-6 लीटर पे ही आ जाती है, मतलब बहुत ही कम। अगर टोटल हम दूध की बात करें, एवरेज दूध की बात करें, तो भाई दूध में तो HF बेस्ट है। पीक जो होता है HF का वो पीक लंबा होता है, मतलब ज़्यादा समय तक वो पीक पर रहती है, जबकि जर्सी जो गाय है वो पीक पर कम रहती है। ये थोड़ी सी जर्सी गाय की कमी है, यानी एवरेज मिल्क की बात करें तो वो कम रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं इम्यूनिटी की,
क्योंकि जो भी बीमारियां होने वाली है उनके लिए इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो भाई HF की इम्यूनिटी जो है वो जर्सी के मुकाबले बहुत कम होती है। इम्यूनिटी कम मतलब बीमारियां ज़्यादा, जर्सी की इम्यूनिटी अच्छी होती है इसका मतलब बीमारियां कम। तो जर्सी में बीमार का खर्चा यानी बीमारियों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा कम होता है बनिस्पत की HF के। तो HF में दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेनली हम देखें तो भाई थनेला बीमारी HF में बहुत ही ज़्यादा होती है। रिपीट ब्रीडिंग, बार बार रिपीट होते रहना, आपने AI करवाई रिपीट हो गए, AI करवाई रिपीट हो गए, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो HF की बहुत ही कम होती है, वो इम्यूनिटी कम होने के चलते ही कम होती है। जबकि फर्टिलिटी पावर की अगर हम बात करें तो HF जो ये जर्सी जो है वो बाजी मार जाती है भाई। जर्सी की जो फर्टिलिटी पावर है वो बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से जो काविंग का अंतर है भाई, इंटर काविंग जो पीरियड होता है वो इंटर काविंग पीरियड जो है वो दो ब्याद के बीच का अंतर जो है वो HF का ज़्यादा होता है, जबकि जर्सी का इंटर काविंग पीरियड कम होता है। ये थोड़ा सा मामला। इसके अलावा जब बीमारियों की ही बात चलिए तो एक बीमारी होती है लैमनेस। वो लैमनेस HF गाय को बहुत ज़्यादा घेरती है, यानी HF गाय में लैमनेस की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जर्सी गाय में लैमनेस की शिकायतें जो है वो कम होती है। ये थोड़ा सा बीमारी के मामले में। और लैमनेस ही नहीं, जो ही गर्मी आती है तो जर्सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, HF जो है होलिस्टिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, जबकि जर्सी गाय जो है वो थोड़ा सा कम स्ट्रेस में रहती है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस उसको नहीं घेरता। हालांकि देसी की बजाय तो स्ट्रेस में आती है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस उसे नहीं घेरता है। ये सब खेल इम्यूनिटी का ही है। अगर हम बात करें फीड की तो भाई HF गायें जो है वो ज़्यादा फीड खाती है, जब ज़्यादा दूध देती है तो फीड भी ज़्यादा खाती है, जबकि जो जर्सी गायें हैं वो फीड कम खाती है। और अगर हम फीड और उत्पादन का रेशियो देखें भाई, फीड के बनिस्पत उत्पादन, तो वो रेशियो भी जर्सी का ज़्यादा है, यानी जितना फीड खा रही है उसके मुकाबले वो उत्पादन का रेशियो उसका अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा जर्सी का मामला अच्छा। इसके अलावा जब हम HF रखते हैं ना तो एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है HF के साथ कि चार बार की ब्याई हुई HF हो गई या लास्ट पांच बार की ब्याई हुई HF हो गई तो उसमें बहुत सारी तकलीफें घेर लेती है। इन फर्टिलिटी तो है ही है, बांझपन तो है ही है, इसके अलावा लैमनेस, वीकनेस और बार बार बीमार होना, यानी कि एक तरीके से देखें तो चार पाँच ब्याद के बाद वो रिजेक्ट जैसी हो जाती है। जबकि जर्सी का हम देखें JR जो है भाई, जर्सी जो है वो इस मामले में थोड़ी आगे है और उसके जो ब्यात है वो ज़्यादा ब्यात तक जर्सी से दूध लिया जा सकता है। तो दोनों का अगर हम मुकाबला करें तो दूध के लिए जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर HF को सही रहेगा पालना, और जर्सी जो है वो हर क्षेत्र में अच्छी है क्योंकि इम्यूनिटी पावर भी जर्सी की अच्छी है, तो इस मामले में जर्सी बेटर है। अब आपको दोनों का तुलनात्मक मैंने अध्ययन दे दिया, अब आपको सोचना है कि आप किस पे जाएंगे, HF पे जाएंगे या जर्सी पे जाएंगे। अधिकतर जो डेयरी वाले हैं वो HF पे जाते हैं क्योंकि दूध अच्छा देती है, जबकि लॉन्ग टर्म काम करना है और अच्छा मुनाफा लेना है तो वहाँ पर जर्सी को भी लिया जा सकता है। और भाई अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो HF और जर्सी दोनों को रखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है डेयरी के लिए। बाकी हमारी देसी गायों का मुकाबला ये दोनों ही नहीं कर सकती है। तो देसी गायें तो हर मैटर में बेस्ट है, लेकिन जब डेयरी की बात करें तो HF और जर्सी में से आप इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके और किसी एक को अपना सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको HF की तरफ जाना चाहिए अगर ज़्यादा दूध ले रहे हैं, और अगर इम्यूनिटी का मैटर हम देखें तो भाई जर्सी की तरफ हम जा सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा कि अगर आपकी गाय भैंस के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी इश्यू आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है वो आ गया है, और रामावत एनिमल ऐप के फ्री लाइव में हमने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों की समस्याओं का समाधान। यानी कि जितनी भी आप लोगों को समस्याएं होती है, चाहे वो किसी फीड से लेकर के है, चाहे वो किसी डिजीज से लेकर के है, चाहे वो मिल्क से लेकर के है, फैट से लेकर के है, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है,
तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। मैं रोज़ वहाँ रात को 8 बजे लाइव आता हूँ और लाइव आकर के जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप प्ले स्टोर से रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, OTP 1234 लगा दीजिएगा और लगा करके उसमें ज्वाइन हो जाइए और फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आ जाइए। जो भी प्रॉब्लम है हम मिल बैठ के सॉल्यूशन करेंगे। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।